5 एकड़ का कॉफी एस्टेट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ माय स्टे इन चिकमंगलूर। कल हम गए थे बाबा बुडनगिरी हिल्स और शाम में गए थे हम, और ट्रैफिक भी बहुत था उधर। मतलब अब दिवाली की छुट्टियां हैं तो इसीलिए बहुत लोग आ रहे हैं, और कुछ जगह ट्रैफिक जैम भी हुआ था तो इसीलिए ऊपर तक बहुत लेट पहुँचे। वहाँ पर ना बहुत सारा कर्व्स है। बाबा बुडनगिरी हिल्स में हम पहुँचे थे शायद 4 o'clock और नीचे आए 8 बजे। तो रात में तो एब्सोल्युटली डेड स्लो हो जाता है व्हीकल का स्पीड। और 6 बजे बाबा बुडनगिरी जो टेंपल या होली श्राइन है वो बंद हो जाता है, और वहाँ पे ना एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो अगर आप जा रहे हो तो रिमेंबर, प्लीज़ डू कैरी योर स्वेटर। थोड़ा सा मैं आपको बाबा बुडनगिरी के बारे में बता देता हूँ। जो चिकमंगलूर है ना, वो लैंड ऑफ कॉफ़ी है कर्नाटका का। जो बाबा बुडनगिरी थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने कॉफ़ी सैपलिंग्स को इधर प्लांट किया चिकमंगलूरू में। तो यहाँ पे ना बहुत सारा कॉफ़ी मिलता है। जो टेम्पल या श्राइन है वो ना एक केव है, वहाँ पर झुक के जाना पड़ता है। अगर आप 6 फीट के आदमी हो मेरे जैसे, तो आपको ना ऐसे कुछ प्लेसेस आएंगे जहाँ पे आपको 90 डिग्री बेंड होना पड़ता है, आप ऐसे ठीक से खड़े नहीं हो पाओगे। तो ऊपर से ऐसा पानी टपकता रहता है, और अंदर पूरा श्राइन है, क्यू से अंदर जाना पड़ता है और दर्शन करके बाहर आ जाना है। स्टॉल्स भी है, आप अगर मैगी खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, पास्ता वगैरह वगैरह खा सकते हो। कल हमने मैगी और कॉफ़ी पिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो गया था। वॉशरूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे रूम्स भी है, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए चिकमंगलूरू में आप होमस्टे ले लें या लॉज कर ले। कल हम चिकमंगलूर आए, देन वी वेंट टू बाबा बुडनगिरी हिल्स। वी डिडंट बुक एनी होमस्टे और लॉज। दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक बिकॉज इट इज़ द दिवाली सीजन एंड एवरीथिंग इज बुक्ड इन चिकमंगलूर। यहाँ पे कार पार्किंग फैसिलिटी है वगैरह वगैरह, जो कुछ एक होमस्टे में रहना चाहिए वो सभी है इधर। चिकमंगलूर में टोटल 30 प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करना है, हम भी कर रहे हैं अभी। अभी हम जा रहे हैं मुलियनगिरी पीक जा रहे हैं। तो अब ब्रेकफास्ट हो गया, बहुत टेस्टी था। Thank you.
ऑल राइट, नाउ आई हैव रीच एट द टॉप ऑफ मुलियनगिरी पीक, इट इज़ द 23rd हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज़ सिचुएटेड एट दिस चंद्रा द्रोणा हिल एंड इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन कर्नाटका एंड इट स्टैंड्स एट द एलिवेशन ऑफ 1930 मीटर्स विच इज़ सो हाई एंड द व्यूज़ आर ब्रेथ टेकिंग एज यू कैन सी एंड इट इज़ वेरी कोल्ड हियर. द रोड्स आर वेरी नैरो एज कम्पेयर टू द रोड विच वी टेक टू बाबा बुडनगिरी हिल्स. बेयरली वन कार कैन पास. इफ टू SUVs कम देन वन द ड्राइवर हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट ड्राइविंग द कार बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर नो बैरिकेड्स लाइक दैट. टू रीच दिस प्लेस यू नीड टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग. वी लेफ्ट अवर होम स्टे आई थिंक अराउंड 10 o'clock विच इज़ अ वेरी बैड टाइमिंग. येस्टरडे वी वर वेरी टायर्ड सो दैट्स वाई वी लेफ्ट लेट. So one has to come early because there would be no traffic and at this time many people come early and they leave at this time. So people coming from Chikmagaluru at this point of time will face the traffic. अब मेरे हाथ यहाँ पे नम हो रहे हैं. इमेजिन करो कितना ठंड है यहाँ पे. बिना स्वेटर के तो कोई इधर आ ही नहीं सकता है. यहाँ पे टावर भी लगा हुआ है तो मेरा एयरटेल और जियो सिम है और फुल नेटवर्क पे चल रहा है. इंटरनेट स्पीड भी गुड है.